अगर 10 किलो चावल है ना तो 20 किलो गोश्त होता है। 10 किलो चावल पे 20 किलो गोश्त, 20 किलो गोश्त होएगा। ये अगर 20 किलो चावल होंगे 40 किलो गोश्त होएगा। सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपका रियल फूडी शाहिद मलिकन। आज आप सोच रहे होंगे कि भाई रियल फूडी कौन से काम शुरू करती है, और मैंने कोई काम शुरू नहीं किया। बेसिकली आज मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी बड़ी खुली जगह को आज मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूँगा। बेसिकली आज मैं पहुँच चुका हूँ बन्नू बीफ पुलाव बाय ट्राफ के जो किचन है उसमें। यहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि भाई रियल फूडी आप आओ और यहाँ पे हमारे सारे सीन को कैप्चर करो और आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करो। आज से कोई 2 साल पहले इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया था चुबुर्जी से, तो अब माशाल्लाह से इनकी लाहौर में 12 ब्रांचेज है और वहाँ पे मतलब ये सारा जितना भी पुलाव जाता है ना स्क्रम्पशियस किस्म का वो डिलीवर करते हैं, उसकी सारी मेकिंग यहाँ पर होती है। तो आज मैं प्रॉपर मेकिंग दिखाऊंगा और इंशाल्लाह इसको ट्राई भी करेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की जानिब और ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कल 7:30-8 बजे शुरू कर लें तो कब तक ये पतीले चढ़ के बन जाते हैं? तकरीबन 11:30-12 बजे सारे तैयार कर लें। 12:30 बजे तक ये 12 ब्रांचेज में डिलीवर हो जाते हैं। हाँ जी, डिलीवर हो जाते हैं। जोड़े दूर के हैं और जल्दी भेज देने, जोड़े थोड़े जे नेड़े के हैं वो बाद से भेज देने। 4 गाड़ियाँ लगी हुई। तो इस एक पतीले में कितना गोश्त और कितना चावल है? एक पतीले में अगर डिमांड के हिसाब होता है, अगर 10 किलो चावल है ना तो 20 किलो गोश्त होता है। 10 किलो चावल पे 20 किलो गोश्त, 20 किलो गोश्त होएगा। ये अगर 20 किलो चावल होंगे 40 किलो गोश्त होएगा। अगर 15 किलो चावल है तो 20 किलो गोश्त, डबल गोश्त डबल। और ये गोश्त और गोश्त हर रोज फ्रेश आता है क्या? फ्रेश आता था, वो गोश्त आने वाला है। गोश्त आने वाला है कल के लिए? नहीं, कल के लिए नहीं, जेड़ा पिछले टाइम था। अच्छा, पिछला से दूसरी दफ़ा। तो दिन में कितनी दफ़ा बनते हैं? 2 दफ़ा बने। ये सुबह का जाएगा, पहली टानी जाएगी, उन्हें तो बाद डिमांड होएगी उन्हें तो बाद डिमांड होएगी जितना मतलब 10 किलो भेजो, 8 किलो भेजो, 6 किलो भेजो, और डिमांड ना के। आपको कितने साल हो गए पुलाव बनाते? 32 साल का तजर्बा है किचन के काम का। हाँ जी, पुलाव तो जड़ा ना बड़ा रोल के बड़ा मतलब बड़ी मुश्किल नाल असी कवर किया संभया है। लाहौर दे विच साडा पुरम भाई का, हैदर भाई का, मेरा यो ही है जिन्हां नाल रल के ऐसी चीज़ लियाइए प्रॉपर जिहड़ी लाहौर के खाणियां तो अलहदा या लाहौर के मतलब डिफरेंट होवे, अलहदा कोई चीज़ होवे जिहड़ी आवे नहीं असीं जिहड़ा ना तैयार करिए ते उहदी बल्ले बल्ले होवे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। फुल टेंडर बीफ है और बिल्कुल सॉफ्ट है, नरम है, फुल हल्का हल्का रेशे हो रहा है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, स्पेशली आपने आज की वीडियो देखी, मतलब माशाल्लाह से इतना बड़ा ये सेटअप लेके चल रहे हैं और लाहौर में इनकी 12 ब्रांचेज हैं। तो आपके पास कौन सी भी ब्रांच नज़दीक है आप वहाँ पर जा सकते हैं। बन्नू बीफ पुलाव बाय ट्राफ फूड्स। अगर असल वाला बन्नू बीफ पुलाव खाना चाहते हो ना तो ट्राफ फूड वालों का असर है, मतलब इनको मैं काफ़ी लंबे अरसे से ना खाता आ रहा हूँ, एडिक्शन सी हो गई है मुझे। मैं जब भी मतलब यहाँ पे चुबुर्जी वाली साइड आता हूँ तो मैं लाजमी इसको एक्सप्लोर करता हूँ। तो आप यहाँ पर आए, जो हेड ऑफिस है वो चुबुर्जी में है, इसके अलावा और भी काफ़ी ब्रांचेज हैं, 12 ब्रांचेज हैं, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो मेरा जो आज का एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ का पुलाव जो है वो लाजमी ट्राई करें, इसे पे नहीं इनके आउटलेट्स पे। एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक। अल्लाह हाफिज़।